जनपद के पिपराइच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मंगलवार को मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने औचक निरीक्षण किया तथा वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने सबसे पहले ईटीसी विभाग का निरीक्षण किया, उसके बाद ओपीडी तथा डॉक्टरों की उपस्थिति चेक किया और निर्देश दिया कि पिपराइच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो भी दवाएं उपलब्ध हों उसकी लिस्ट बाहर लगाएं। कमिश्नर ने डाटा ऑपरेटर रूम में जाकर कंप्यूटर और सभी लेखा जोखा को भी चेक किया और वहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। निरीक्षण के पश्चात गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, हमें भी पता है हमारी औकात क्या है और मरीज को भी पता है कि जो खाने वाला बिजली का क्या हाल है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या आप किस तरह से इस पर होना चाहिए? पिपराइच का हमने आज भ्रमण किया है, उसमें सही चीज़ें पाई गई हैं और बेसिकली उद्देश्य ये है कि इस मौसम में आप जानते हैं कि हमारे इस अंचल में इंसेफ्लाइटिस और ऐसी समस्याएं तेज बुखार की आती हैं, तो एफर्ट ये है कि हम सभी अधिकारी जितने हैं वो स्वास्थ्य विभाग के पर थोड़ा सा देखें कि उनकी गतिविधियाँ कैसे हो रही हैं और उनको जो भी सपोर्ट देना है सपोर्ट दें और यदि कोई नियम का उल्लंघन हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करें। लेकिन पिपराइच में सीएचसी में काम ठीक हो रहा था और चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री थी। इंसेफ्लाइटिस का सेंटर ही है वहाँ पर, इनसे ट्रीटमेंट सेंटर है, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर है, जो कि आज हम लोग ने जब चेक किया और ये औचक निरीक्षण था तो वो सही पाया गया। डॉक्टर उपलब्ध थे, जो दवाएं हैं वो उपलब्ध थीं और इस बार पिछली वर्ष की तुलना में अवेयरनेस की वजह से और फॉगिंग हो रही है, स्वच्छता पर जोर हुआ है तो पेशेंट भी कम है पिछली वर्ष।